जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी की इतिहास की, वही पॉलिटिकल पार्टी जिसके आज 18 करोड़ से भी ज़्यादा मेंबर हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी की जो महज 4 दशक पहले बनने के बाद भी वो आज दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी है। तो अब शायद आप पूछेंगे हम किस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी BJP की। तो आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास, विचारधारा, संगठन और प्रमुख उपलब्धियों के बारे में, हिस्ट्री ऑफ BJP। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इसका गठन भारतीय जनसंघ के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ था। जनसंघ 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित किया गया था। 1977 में जनसंघ ने अन्य दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई, लेकिन यह गठबंधन ज़्यादा समय तक नहीं चला और 1980 में BJP का जन्म हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का। इनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदानों को भारतीय जनता पार्टी हमेशा याद रखती है। पार्टी के शुरुआती नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वाजपेयी जी ने 1996, 1998 और 1999 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की और उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो कि भारत के लिए बहुत ही गर्व का बात था। वर्तमान में नरेंद्र मोदी BJP के प्रमुख चेहरे हैं। 2014 और 2019 के आम चुनावों में उनकी अनुबाई में पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने विकास और सुशासन पर जोर दिया है। BJP की विचारधारा का मुख्य आधार हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है। पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़ी हुई है, जो इसका वैचारिक संगठन माना जाता है। पार्टी का मानना है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों का संरक्षण करना आवश्यक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं BJP के प्रमुख कार्यों और नीतियों की। मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, मेक इन इंडिया, भारत को विनिर्माण का हब बनाने के लिए। तीसरा है जनधन योजना, सभी नागरिकों के लिए बैंक खाते खोलने की योजना। उज्ज्वला योजना, गरीब परिवारों को मुफ्त और गैस कनेक्शन प्रदान करना। डिजिटल इंडिया, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की पहल। आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफ़ायती बनाने की योजना। और भी बहुत सारी योजनाएँ हैं जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य देश के विकास को तेज गति देना और आम जनता के जीवन स्तर को सुधारना है। इसके अलावा सरकार ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिससे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। चुनावों में BJP की सफलता का एक बड़ा कारण है उसका मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं का समर्पण। पार्टी का हर कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल पर काम करता है, जिससे जनता से सीधा जुड़ाव बना रहता है। इसके अलावा पार्टी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का कुशल उपयोग करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नरेंद्र मोदी ने भारत की छवि को मजबूत किया है। उन्होंने कई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ किया है और भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, यह था भारतीय जनता पार्टी का एक विस्तृत परिचय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसा ही जानकारियां पा सकें। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।